नमस्कार, आप देख रहे हैं MSS न्यूज। आइए डालते हैं एक नजर आज की बड़ी खबर पर। संदिग्ध परिस्थितियों में सपा नेता की गोली मारकर हत्या। राममोहन यादव सपा नेता का मृत अवस्था में पुलिस शव लाई जिला अस्पताल। जानकारी के अनुसार अपने निजी कार्य हेतु सिंगरौली से सोनभद्र आ रहे थे सपा नेता। उपस्थित लोगों ने बताया इससे पहले भी सपा नेता पर हो चुका है हमला। रात्रि 2 बजे से 3 बजे के बीच का है ये मामला। प्रथम दृष्टया पुलिस के द्वारा बताया गया शरीर पर नहीं है कोई निशान, परंतु जब सुबह देखा गया तो सीने पर मिली 2 गोली के निशान। यह हृदय विदारक घटना सोनभद्र जिले के रावर्सगंज कोतवाली क्षेत्र के उरमौरा स्थित सपा कार्यालय का है। थाना रॉबर्ट्सगंज के अंतर्गत उरमौरा स्थान पर रात में सूचना प्राप्त हुई पुलिस को कि एक स्कॉर्पियो से टिक करके गिरा हुआ एक व्यक्ति सड़क के किनारे पर है। इस सूचना पर थाने की पुलिस मौके पर गई और उस व्यक्ति को वहां से उठा के सीधे जिला अस्पताल लेके गई, जहां पे चिकित्सकों ने उसको मृत घोषित कर दिया। मृतक की शिनाख्त राममोहन यादव के नाम पर हुई है। यह व्यक्ति बेल पर है, जो कि 307 के मुकदमे में जेल में था। ये अभी बेल पे बाहर है। नहीं, कोई राजनीति वाली कोई बात अभी प्रकाश में नहीं आई है। फिलहाल ये पता लगा है कि सुकृत स्थित स्टोन क्रशर पर, प्राइवेट स्टोन क्रशर पर कार्य करता है। जैसे जैसे तथ्य सामने आते जाएंगे आपको बताया जाएगा।